नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। भारत इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा। कोरोना के खिलाफ इस जंग में केंद्र सरकार की तैयारियों को एक बड़ा झटका लगा है। केंद्र की ओर से गठित कोविड जीनोमिक्स कंसोर्टियम के चेयरमैन और सीनियर वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शाहिद जमील ने अपने इस्तीफे का कारण बताने से इनकार कर दिया है। उन्होंने एक टेक्स्ट संदेश में कहा है, मैं कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ। बता दें कि कोरोना के बढ़ने के मामलों के बाद सरकार ने पिछले साल दिसंबर में इस एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया था। उन्हें सार्स कोविड 2 वायरस के जीनोम की पहचान करने के लिए वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। मीडिया खबरों के मुताबिक शाहिद जमील ने केंद्र सरकार का एडवाइजर ग्रुप क्यों छोड़ा, फिलहाल इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। लेकिन कहा जा रहा है कि जमील सरकार की नीतियों से खुश नहीं थे। जमील ने कई हफ्तों पहले कोरोना की महामारी से निपटने के लिए सरकार के तौर तरीकों पर सवाल उठाए थे। बता दें कि जमील ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखा था जिसमें सरकार की नीतियों की आलोचना की थी और सरकार पर वैज्ञानिकों की सलाह न मानने तक के आरोप लगाए थे। उन्होंने लेख में लिखा था कि मोदी सरकार को देश के वैज्ञानिकों की बात सुननी चाहिए और पॉलिसी बनाने में जिद्दी रवैया छोड़ना चाहिए। मुझे चिंता है कि नीति को चलाने के लिए विज्ञान पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन मुझे पता है कि मेरा अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। बता दें कि पहली बार है सरकार के भीतर कोरोना खिलाफ जंग में शामिल किसी पेशेवर व्यक्ति ने इस मुद्दे पर अपनी अलग राय रखी है। जमील की ओर से हाल में कहा गया था कि भारत में कोविड 19 की दूसरी लहर धीमी पड़ती हुई लग रही है, लेकिन संभवतः है ये पहली लहर से ज़्यादा लंबी चलेगी और जुलाई तक जारी रह सकती है। उन्होंने कहा था कि कोविड की दूसरी लहर अपने चरम पर पहुँच गई है, ये कहना भी जल्दबाजी होगा। बता दें कि शाहिद जमील ने ऐसे वक्त पर इस्तीफा दिया है जब भारत कोरोना के कहर से जूझ रहा है। रोजाना 4,000 से ज़्यादा मौतें देश में हो रही हैं। अभी भी कोरोना के रोजाना नए मामले 3,00,000 के आसपास दर्ज हो रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।